हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बशीर अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बशीर टीवी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने मेरी वीडियो के शुरू में से देखा प्रीव्यू में स्टेटस, दोस्तों अगर आप इस तरह का स्टेटस बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना होगा। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो को ज़रा सा भी स्किप करेंगे तो आप इस तरह का जो स्टेटस है वो नहीं बना पाएंगे। सो दोस्तों, इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप इसको प्ले स्टोर या किसी भी ब्राउज़र से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो के जाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल बशीर टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी के ऑप्शन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। सो चलो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आपने जो काइन मास्टर एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद उससे आपने यहाँ से यहाँ बीच में प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से दूसरे वाले रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है, 9:16 वाले रेशियो को। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपनी फ़ोटो को भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मैंने एक फ़ोटो का लिंक जो है मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वाली फ़ोटो को जो है डाउनलोड करके यहाँ पर ऐड कर लीजिए। सो दोस्तों, मैंने इस वाली फ़ोटो को यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद दोस्तों आपने ऊपर इस टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी जो स्क्रीन है इसको बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद दोस्तों आपने इसी फ़ोटो के लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको खींच कर थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, जितना बड़ा दोस्तों आप अपना स्टेटस बनाना चाहते हैं। और इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ से ऊपर टिक ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और मीडिया के ऑप्शन पे चले जाना है। मीडिया के ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों आपने मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे के रखा है, आप इस वाली वीडियो को जो है ऐड या डाउनलोड करके यहाँ पर ऐड कर लीजिए। सो दोस्तों, मैंने कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर ऐड कर लिया है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बीच वाली लेयर के हिसाब से दोस्तों आपने कुछ इस तरह से इसको यहाँ से फिल स्क्रीन कर लेना और इसको कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ दोस्तों आपने मूव करना है। यहाँ बिल्कुल जो है दोस्तों आपने इसको मिड में रखना है, बीच में रखना है। और यहाँ पर दोस्तों आपने इसको ऐड कर देना है। और यहाँ पर ऐड करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ नीचे चले आना। नीचे आने के बाद दोस्तों आपने यहाँ क्रोमा की ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पर। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने इसको यहाँ से इनेबल कर देना है और यहाँ की कलर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से इसके कलर को जो दोस्तों आपने ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टेटस है वो मुकम्मल हो चुका है। दोस्तों अगर आप को हमारी ये आज की वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी तो इस वाली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और दोस्तों इसको अपनी गैलरी में सेव करने के लिए दोस्तों आपने ऊपर इस तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से इसको 16 पे ही रहने देना और यहाँ एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो दोस्तों, ये जो आपका स्टेटस है वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। सो दोस्तों, कैसे लगी मेरी आज की वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वाली वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, शुक्रिया।